हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ टेक्निकल सुमो। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स विद फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देयर आर टोटल 42 कैंडलस्टिक पैटर्न जिन्हें हम स्प्लिट कर सकते हैं इनटू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट। और आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो दैट जब भी हम कैंडलस्टिक पैटर्न पर स्टडी करते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि ईच एंड एवरी कैंडलस्टिक पैटर्न इज सेपरेट, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसे होते हैं जिनका फॉर्मेशन स्ट्रक्चर सेम होता है एंड ऑल्सो वर्किंग ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न भी सेम होता है, बट उन कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम स्क्रीन पर दो कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकते हैं विच लुक सिमिलर टू ईच अदर, इवन दो इन कैंडलस्टिक पैटर्न का स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन एंड वर्किंग सेम है, बट इनके नाम अलग अलग है, बुलिश एंगल्फिंग एंड बुलिश पियर्सिंग कैंडल। नाउ कुछ लोगों को ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न डिफरेंट लग रहे होंगे, बट इन दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न का वर्किंग सेम होता है। दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न का वर्किंग होता है टू शो द चेंज इन द मोमेंटम। And this was some of the few things I would like to mention before starting this video. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि new traders get confused about candlestick pattern. और candlestick pattern को याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है. And I assure you that अगर आप एक beginner trader हो तो within 1 week आप सारे candlestick pattern को याद कर लोगे. आप Google पर जाकर candlestick pattern PDF टाइप करके डाउनलोड कर लेना एंड उस डाउनलोड कैंडलस्टिक पैटर्न की प्रिंट भी ले लेना फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड उस प्रिंट को अपने ट्रेडिंग डेस्क पर लगा लेना। एंड एवरी डे बिफोर गोइंग इनटू द लाइव मार्केट आप बस एक बार उन कैंडलस्टिक पैटर्न का एक ओवरव्यू ले लेना। अब हम हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न का कोर्स स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बेसिक लेवल टू एडवांस। फ्रेंड्स, कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बताते हैं मूवमेंट्स ऑफ प्राइस डायरेक्शन। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर हम दो कैंडलस्टिक देख सकते हैं जिसमें एक कैंडलस्टिक का कलर ग्रीन और दूसरे का रेड है। और हमें बेसिक थिंग तो पता है कि ग्रीन मतलब बुलिशनेस होता है और रेड मतलब डाउनसाइड बेयरिश पैटर्न होता है। स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक कैंडल बनी हुई है। फॉर नाउ जस्ट फॉरगेट दैट कि ये कोई बुलिश है या बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। जस्ट फोकस ऑन द बॉडी, जो ब्लैक पोर्शन होता है कैंडलस्टिक का उसे हम बॉडी बोलते हैं। एंड लोअर एंड अपर पार्ट, जो हम वो लाइन देख सकते हैं उसे शेडो या फिर वीक कहा जाता है। आफ्टर दैट हम स्क्रीन पर देख सकते हैं बुलिश कैंडल एंड बेयरिश कैंडल। और स्क्रीन पर हम चार वर्ड्स देख सकते हैं जो है ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। अब हमारे सामने एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें हम देख सकते हैं कि ओपन यानी जिस पॉइंट से कैंडलस्टिक स्टार्ट हुई उसे ओपन कहा जाता है एंड जिस पॉइंट पे कैंडल क्लोज हुई उसे क्लोज कहा जाता है। सिमिलरली बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में भी जहाँ से बेयरिश कैंडल स्टार्ट होती है उसे ओपन बोलते हैं और जहाँ पे वो स्टॉप होती है उसे क्लोज। डिफरेंस बिटवीन बुलिश एंड बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न इज बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न नीचे से ओपन होता है और ऊपर जाके क्लोज होता है, और वही बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ऊपर से ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है। तो अब हम सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे जिसे कहते हैं डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर हम डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न में कैंडल की बॉडी काफ़ी छोटी होती है। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के एग्जांपल हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को कन्फ्यूजन कैंडलस्टिक पैटर्न भी बोला जाता है। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को अटेंशन कैंडलस्टिक पैटर्न भी बोला जाता है। डोजी कैंडल एक अटेंशन कैंडल होती है। जब भी मार्केट में बुलिश और बेयरिश मोमेंटम होती रहती है और तभी अचानक अगर डोजी कैंडलस्टिक फॉर्म हो जाए तो तब हमें ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न पर अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये हो सकता है कि इट माइट चेंज द ट्रेंड। और स्क्रीन पर हम एक एग्जांपल देख सकते हैं।
हमारे थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है हैमर, और देयर आर टू टाइप्स ऑफ हैमर, हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर। फ्रेंड्स, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को एक प्राइस रिजेक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न भी बोला जाता है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में एक लॉन्ग शैडो होती है जिससे हमें प्राइस रिजेक्शन का सिग्नल मिलता है। लॉन्ग शैडो होने के बाद हमें एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल मिलता है। हम स्क्रीन पर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। हमारे फोर्थ कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न तब फॉर्म होती है जब डाउन ट्रेंड में स्मॉल स्मॉल रेड कैंडल्स फॉर्म होते रहते हैं और अचानक से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बुलिश मोमेंटम के साथ फॉर्म हो जाती है। उस बड़ी बुलिश कैंडल को हम बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। हम स्क्रीन पर बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के एग्जांपल क्लियरली देख सकते हैं। हमारी फिफ्थ कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम बियरिश एंगल्फिंग कैंडल है। बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न तब फॉर्म होती है जब स्मॉल स्मॉल ग्रीन कैंडल्स चार्ट पर फॉर्म होते हैं और तभी अचानक एक बड़ी बियरिश कैंडल फॉर्म हो जाती है। उस बड़ी बियरिश कैंडल को हम बियरिश एंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। हम स्क्रीन पर बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के कुछ एग्जांपल भी देख सकते हैं। हमारी सिक्स्थ कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। फ्रेंड्स, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न तब फॉर्म होती है जब एक अप ट्रेंड का एंड होने वाला होता है और इवनिंग स्टार हमें सिग्नल देती है ऑफ डाउन ट्रेंड। एंड इवनिंग स्टार इज ऑलवेज बेस्ट व्हेन इट फॉर्म्स एट द टॉप ऑफ चार्ट। फ्रेंड्स, हम स्क्रीन पर कुछ एग्जांपल देख सकते हैं ऑफ इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। हमारे सेवेंथ कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न तब फॉर्म होता है जब एक डाउन ट्रेंड का ट्रेंड खत्म होने वाला होता है और एक अप ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है। इट इज़ अ साइन ऑफ रिवर्सल। मॉर्निंग स्टार इज ऑलवेज बेस्ट व्हेन इट फॉर्म्स इन द बॉटम ऑफ स्टॉक। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के कुछ एग्जांपल हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारा एट्थ कैंडलस्टिक पैटर्न है थ्री वाइट सोल्जर। थ्री वाइट सोल्जर इज अ मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न जो फॉर्म होता है आफ्टर अ डाउन ट्रेंड, जो इंडिकेट करता है एक बुलिश रिवर्सल का। दिस कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर मेड अलोंग थ्री बुलिश बॉडीज। थ्री बुलिश बॉडीज जिनकी शेडोज लॉन्ग नहीं होती है। हमारा नाइन्थ कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश मारुबुजो कैंडल। मारुबुजो इज अ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो फॉर्म होता है आफ्टर अ डाउन ट्रेंड, जो इंडिकेट करता है अ बुलिश रिवर्सल, जिसे हम व्हाइट मारुबुजो कैंडलस्टिक कहते हैं। दिस कैंडलस्टिक पैटर्न एक लॉन्ग बुलिश बॉडी होती है जिसके ना ही अपर शैडो होता है ना ही लोअर शैडो होता है, विच शोज अ बुल्स आर एक्सर्टिंग बाइंग प्रेशर एंड द मार्केट मे टर्न बुलिश। थ्री ब्लैक क्रोज, जिसे हम थ्री ब्लैक सोल्जर्स भी बोलते हैं। द थ्री ब्लैक क्रोज इज अ मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न जो फॉर्म होती है आफ्टर एन अप ट्रेंड, जो इंडिकेट करती है एक बियरिश रिवर्सल। दिस कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर मेड विथ थ्री लॉन्ग बियरिश बॉडीज जिनके लॉन्ग शेडोज नहीं होते हैं। हमारी इलेवेंथ कैंडलस्टिक पैटर्न है डार्क क्लाउड। डार्क क्लाउड इज अ मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न जो फॉर्म होती है आफ्टर एन अप ट्रेंड, जो इंडिकेट करती है एक बियरिश रिवर्सल। डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होती है बाय टू कैंडल्स, जिसमें पहली कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश कैंडल होती है विच इंडिकेट्स द कंटिन्यूएशन ऑफ एन अप ट्रेंड, एंड सेकेंड कैंडल फॉर्म होती है वो बियरिश कैंडल फॉर्म होती है विच ओपन्स गैप अप, बट वो क्लोज होती है मोर देन 50% ऑफ द रियल बॉडी ऑफ द प्रीवियस कैंडल, जिससे हमें यह पता चलता है कि द बियर्स आर बैक इन द मार्केट एंड द बियरिश रिवर्सल इज गोइंग टू टेक प्लेस। हमारी 12th कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार इज अ कैंडलस्टिक पैटर्न विच इज फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ एन अप ट्रेंड, जो हमें बताता है कि देर इज अ बियरिश रिवर्सल सिग्नल। इस कैंडलस्टिक पैटर्न
की बॉडी लोकेटेड होती है एट द एंड देर इज लॉन्ग अपर शेडो। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में आप एक लॉन्ग अपर शेडो देख सकते हैं विच इज इनवर्स ऑफ द हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। 13th कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। दिस कैंडलस्टिक पैटर्न ये फॉर्म होती है आफ्टर अ डाउन ट्रेंड जो इंडिकेट करती है एक बुलिश रिवर्सल का। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में देर आर टू कैंडल्स ऑन द चार्ट। फर्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होती है एंड द सेकेंड वन इज अ स्मॉल बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। पहली कैंडलस्टिक पैटर्न बियरिश होती है जो शो करती है द कंटिन्यूएशन ऑफ बियरिश ट्रेंड एंड सेकेंड कैंडलस्टिक पैटर्न होती है जो शो करती है दैट द बुल्स आर बैक इन द मार्केट। हमारी 14th कैंडलस्टिक पैटर्न है बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। बियरिश हरामी इज सिमिलर टू बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। इन बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न कैंडलस्टिक फॉर्म होती है आफ्टर द अप ट्रेंड जो इंडिकेट करती है एक बियरिश रिवर्सल। इट कंसिस्ट ऑफ टू कैंडलस्टिक पैटर्न जिसमें फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होती है एंड सेकेंड वन इज अ स्मॉल बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। फर्स्ट बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बताती है द कंटिन्यूएशन ऑफ बुलिश ट्रेंड और सेकेंड कैंडलस्टिक पैटर्न शोज दैट द बियर्स आर बायक इन द मार्केट। हमारी 15th कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है फॉलिंग थ्री मेथड। ये एक बेरिश होती है। 5 कैंडलस्टिक कंटिन्यूएशन पैटर्न में होते हैं जिसमें सिंगल इंटरप्शन होता है बट नॉट अ रिवर्सल ऑफ गोइंग ऑन डाउन ट्रेंड। द कैंडलस्टिक पैटर्न इज मेड ऑफ टू लॉन्ग कैंडलस्टिक चार्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड जिसमें डाउन ट्रेंड एट द बिगनिंग एंड एंड विथ 3 शॉर्ट काउंटर ट्रेंड कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं। हमारे 16th कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है द राइजिंग 3 मेथड्स। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक होती है 5 कैंडलस्टिक कंटिन्यूएशन पैटर्न में विच सिग्नल्स एन इंटरप्शन बट नॉट अ रिवर्सल ऑफ एन ऑन गोइंग अप ट्रेंड। ये कैंडलस्टिक पैटर्न इज मेड ऑफ 2 कैंडलस्टिक इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड जिसमें अप ट्रेंड इन दिस केस एट द बिगिनिंग एंड द एंड विथ 3 शॉर्ट काउंटर ट्रेंड कैंडलस्टिक इन द मिडल। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न एक मल्टीपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न होता है जो फॉर्म होता है आफ्टर अ डाउन ट्रेंड जो इंडिकेट करता है एक बुलिश रिवर्सल। 2 कैंडल्स फॉर्म होते हैं इन विच द फर्स्ट कैंडल इज बीन बियरिश कैंडल विच इंडिकेट्स द कंटिन्यूएशन ऑफ डाउन ट्रेंड और सेकेंड कैंडल फॉर्म होती है वो एक बुलिश कैंडल होती है विच ओपन्स अप गैप अप बट क्लोज मोर देन 50% ऑफ द रियल बॉडी ऑफ द प्रीवियस कैंडल जो दर्शाता है दैट द बुल्स आर बैक इन द मार्केट एंड द बुलिश रिवर्सल इज गोइंग टू टेक प्लेस। हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है 3 इनसाइड अप। 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है आफ्टर अ डाउन ट्रेंड इंडिकेटिंग बुलिश रिवर्सल। 3 इनसाइड अप कंसिस्ट ऑफ 3 कैंडलस्टिक जिसमें पहली कैंडलस्टिक एक बड़ी बियरिश कैंडलस्टिक होती है एंड सेकेंड वन इज अ स्मॉल बुलिश कैंडलस्टिक विच शुड बी इन द रेंज ऑफ फर्स्ट कैंडलस्टिक और थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न होती है एक लॉन्ग बुलिश कैंडल जो कन्फर्मेशन देती है ऑफ अ बुलिश रिवर्सल। हमारी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न। 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न तब फॉर्म होती है आफ्टर अ डाउन ट्रेंड जो इंडिकेट करती है एक बुलिश रिवर्सल। इट कंसिस्ट ऑफ 3 कैंडलस्टिक जिसमें फर्स्ट कैंडलस्टिक होती है एक शॉर्ट बियरिश कैंडल एंड सेकेंड कैंडलस्टिक एक लार्ज बियरिश कैंडल होती है विच शुड बी कवर द फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न होती है वो एक लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो कन्फर्मेशन देता है ऑफ बुलिश रिवर्सल। हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है ऑन नेक कैंडलस्टिक पैटर्न। ऑन नेक पैटर्न तब फॉर्म होता है आफ्टर अ डाउन ट्रेंड when long real body bearish candle is formed by a small real body bullish candle which opens gap up but open then close near the prior candle closes। ये pattern को neckline कहा जाता है क्योंकि the two closing price are the same or almost the same across the two candles।
फॉर्मिंग अ हॉरिजॉन्टल नेक लाइन। हमारी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है टीजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। टीजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न एक बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होती है जो फॉर्म होती है एट एन एंड ऑफ एन अप ट्रेंड। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में दो कैंडलस्टिक होती है। पहली कैंडलस्टिक एक बुलिश कैंडलस्टिक होती है एंड सेकेंड वन इज़ अ बेयरिश कैंडलस्टिक। दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न ऑलमोस्ट सेम हाई फॉर्म करती है। दिस कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म इज एट द प्रायर ट्रेंड इन एन अप ट्रेंड। एक बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म होती है विच लुक्स लाइक द कंटिन्यूएशन ऑफ एन ऑन गोइंग अप ट्रेंड, बट नेक्स्ट बेयरिश कैंडल इंडिकेट्स द रेजिस्टेंस लेवल। बुल्स सीम्स टू राइज द प्राइस अपवर्ड बट नाउ दे आर नॉट विलिंग टू बाय एट द हायर प्राइस। हमारी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है अपसाइड तुसुकी गैप। दिस इज अ बुलिश कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न जो फॉर्म होती है इन एन ऑन गोइंग अप ट्रेंड। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में कंसिस्ट होते हैं थ्री कैंडल्स, जिसमें पहली कैंडलस्टिक इज अ लॉन्ग बॉडी ऑफ बुलिश कैंडलस्टिक एंड सेकेंड वन इज ऑल्सो अ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म्ड आफ्टर अ गैप अप, और थर्ड कैंडल इज अ बेयरिश कैंडल दैट क्लोज इन द गैप फॉर्म्ड बिटवीन दिस फर्स्ट टू कैंडल्स। हमारी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है डाउनसाइड तासुकी गैप। इट इज़ अ बेयरिश कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न जो फॉर्म होती है इन एन ऑनगोइंग डाउन ट्रेंड। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में थ्री कैंडल कंसिस्ट होती है, जिसमें फर्स्ट कैंडल इज अ लॉन्ग बॉडी बेयरिश कैंडलस्टिक एंड सेकेंड वन इज ऑल्सो अ बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म्ड आफ्टर अ गैप डाउन, और थर्ड कैंडलस्टिक होती है एक बुलिश कैंडल दैट क्लोज इन अ गैप फॉर्म्ड बिटवीन दिस फर्स्ट टू बेयरिश कैंडल्स। हमारी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है मैट होल्ड पैटर्न। मैट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न एक फॉर्मेशन होता है इंडिकेटिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ अ ट्रेंड। देयर कैन बी इधर अ बेयरिश और अ बुलिश मैट होल्ड पैटर्न। एक बुलिश पैटर्न फॉर्म होता है एंड बिगिन्स विद अ लार्ज बुलिश कैंडल फॉर्म्ड बाय अ गैप हायर एंड थ्री स्मॉलर कैंडल्स विच मूव्स लोअर। देयर आर ऑल्सो अदर मेनी कैंडलस्टिक पैटर्न जिनका नाम होता है स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न, बेयरिश काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न, हाई वेव्स, राइजिंग विंडो, फॉलिंग विंडो एंड एक्सेट्रा। दिस आर द कैंडलस्टिक पैटर्न जिनका नाम अलग अलग होता है, बट इन वर्किंग दिस कैंडलस्टिक पैटर्न आर सेम एज प्रीवियस कैंडलस्टिक पैटर्न विच वी हैव बीन कवर्ड इन दिस वीडियो। और मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ ईच एंड एवरी कैंडलस्टिक पैटर्न जो गूगल पर इजीली अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। दूर रहना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS IAS बनो और देश को संभालो।